हेलो फ्रेंड, टेक्निकल थेरेपिस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पेटीएम अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड बने रहना, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड सबसे पहला क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे पेटीएम ऐप ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे पेटीएम ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से होम पेज में आ जाता है। तो फ्रेंड आपको करना है, आपको यहाँ पे टू स्लाइस के आइकन पे क्लिक करना होगा। ये मेन्यू बार का आइकन होता है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे ऊपर आके क्लिक कर दीजिएगा इस ऑप्शंस पे। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से मेन्यू बार का पेज ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड आपको करना है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे 24x7 हेल्प। तो फ्रेंड आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा इस ऑप्शंस पे। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे वीप ऑल कैटेगरी का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोफाइल सेटिंग्स पे। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे इस तरह से कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट। तो यहाँ पे क्लिक कर देगा इस ऑप्शंस पे। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इशू जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये आ जाते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आप यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे आई डोंट यूज़ दिस माई अकाउंट। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ आई डोंट यूज़ पे। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आर्टिकल आ जाता है। फ्रेंड इसका मतलब यह है जो भी आपके यहाँ पे पैसे हैं पेटीएम में उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा डिलीट करने से पहले, या फिर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मैसेज अस पे नीचे आके। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर डालना होता है बैंक का, उसके बाद आपको आईएफएससी कोड, उसके बाद फ्रेंड आपको होल्डर नेम डालना होता है अकाउंट के, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच नेम डाल देना होता है। फ्रेंड उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको फ्रेंड यहाँ पे अपलोड करना होता है यहाँ पे कैंसिल चेक जो आपकी बैंक से मिला होता है आपको यहाँ पे चेकबुक, उसका यहाँ पे आपको फोटो लेना होता है और अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है इस बॉक्स में, ये करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। फ्रेंड जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाता है, आपको यहाँ पे मैसेज चला जाएगा आपको यहाँ पे पेटीएम को। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज चला गया है। और उसके बाद फ्रेंड आपको करना होता है जो भी आपको यहाँ पे पेटीएम में रजिस्टर होगा नंबर, आपको यहाँ पे मैसेज आएगा, लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और आपको यहाँ पे पेटीएम से आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेटीएम से अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।